नमस्ते, आज है मेरे साथ सुनील पाल जो एक बहुत अच्छे बड़े कॉमेडियन है। आजकल कॉमेडियंस की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है लेकिन अच्छी बातों के लिए नहीं हो रही है। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, बहुत सारे सवाल हैं। तो हम सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं कि ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ और कब हुआ, क्यों, कैसे, कहां, किधर। बहुत ही दुखद तरह से ये कहना पड़ रहा है भारती सिंह और उनके पति हर्ष, क्योंकि भारती को मैं तब से जानता हूँ जब वो संघर्ष कर रही थी, उसके संग हर्ष नहीं था, उसके संग हर्ष नहीं था, तब से मैं उसको जानता हूँ। जीरो से शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर हर्ष मिला, दोनों ने मैरिज ब्यूरो का सफ़र शुरू किया और आज नारकोटिक्स ब्यूरो तक पहुँच गए। ओके, तो ये इनका सफ़र जो है तो बड़ा दुखद अनुभव है, क्योंकि मैं उनके परिवार को जानता हूँ और भारती को जानता हूँ, मुझे बड़े भाई की तरह समझती है, बहुत रिस्पेक्ट करती है और बिल्कुल भी उसमें बदलाव नहीं आया। बहुत ही प्यारी स्माइली फेस से हमेशा मिलती है और अचानक ये क्या हो गया, कैसे हुआ, मतलब एनसीबी का फुल फॉर्म भी मतलब मेरी नज़र में हो गया, नशा छोड़ो भारती। एक्चुअली ये इसलिए करते हैं लोग क्योंकि मैंने उसको कभी खुलेआम तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन हाँ अब जिस टाइप के पहले वो उससे संघर्ष किया, फिर स्टार बनी, स्टार से सुपरस्टार बनी, और सुपरस्टार बनने के बाद तो पता है आप लोग कि उसके इर्द गिर्द ऊपर आका नीचे काका ऐसा वाला मामला हो जाता है, ठीक है, ओके, सराउंडिंग सब लोग आ जाते हैं जो अपने स्टार को बताते कि भाई अब नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हो चुके हो। बट आई फील कि आप जितना ज्यादा ऊंचा पहुंचते हो उतने ज्यादा लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट आपको एक स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे भी पहले उतने फॉलोअर्स नहीं थे, अगर मेरी बात करूं तो अब मेरे जितने भी फॉलोअर्स बढ़े हैं, जैसे अब 4 लाख के ऊपर हो गए फेसबुक पे और इंस्टा पे भी। आप तो इतनी खूबसूरत कि आपके फॉलोअर बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप, मैंने देखा था उसने रोड पे जा रही थी, कितने सारे लोग फॉलो कर रहे थे आपको। आई नो, तो जैसे फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर मैंने ऐसी कोई चीजें उनके सामने की तो दे आर गोइंग टू फॉलो इट, बिकॉज एक आइडल होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं। जैसे मेरी जो आइडल है रेखा जी हैं, मेरी जो आइडल है श्रीदेवी थी, और मैं माधुरी जी को फॉलो करती हूँ, काजोल को फॉलो करती हूँ, दे आर द स्वीटेस्ट पर्सन, आप उनसे जितनी एक्टिंग करवाना चाहो करवा। लेकिन इन सब के नाम कभी हम लोग ने ये नहीं सुना कि इन्होंने ये कुछ गलत काम किया, ये गलत काम किया, बिकॉज दे फॉलो दैट लीड कि मुझे ये काम नहीं करना है बिकॉज मुझे पूरी दुनिया देख रही है, मुझे पूरे लोग देख रहे हैं। तो आपके ऊपर, आप जैसे कहते हैं ना कि विद द पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, दैट्स व्हाट आई फील। तो अब जब वो सुपरस्टार हो चुकी हैं तो उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। काफी सारी लड़कियां उनको देख के कॉमेडियन बनना चाह रही है, उसने इतना अच्छा कॉमेडी किया है कि महिलाएं वो पहले आप ही के नाम की एकता कपूर जी हैं जिन्होंने महिलाओं को पूरा रोना धोना सिखा दिया था, इसने आकर हंसना सिखाया, इतना औरतें कॉमेडी में आने लगी कि पुरुष भी औरत बनकर हंसाने लगे हैं। एक्चुअली इतना ज्यादा करने लगे, तो इतनी अच्छी आइडल है लोगों की, और किस और कॉमेडी में, बेसिकली कॉमेडी में, इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में औरतें या लेडीज बहुत कम है, रेशियो इज वेरी स्लो। और अभी जो बच्चे आए थे उसमें एक सलोनी मुझे याद है जो गंगूबाई बनती है, अब वो भी बड़ी हो रही है, तो मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हैं इन लोगों को, तो नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि क्या होता है कि जो सो कॉल्ड ग्रुप बन जाता है, कूल ग्रुप, पार्टी थ्री, वी आर पेज थ्री, वी आर पार्टी एनिमल्स, उस टाइप का ग्रुप बन जाता है जिसमें हाई स्टैंडर्ड लोग उनको लोग बताते हैं देखो भाई अब आप स्टार बन चुकी हो, अब आप नॉर्मल लोगों की तरह खाना मत खाओ, इनकी तरह कपड़े मत पहनो, इनकी तरह बातें मत करो, इनकी तरह ऐसी छोटी छोटी चीज़ मत करो, अब तुम बहुत बड़े स्टार बन गए हो, बड़ी चीज़ें करो, कुछ हटके करो, कुछ नया करो, रूटीन वाला काम मत करना, एकदम कुछ नया करो, तो नए में क्या करें, तो फिर पीने की जगह कुछ और पियेंगे, खाने की जगह कुछ और खाएंगे, है ना, पर पहनने की जगह कुछ और पहनेंगे। मैंने सीरियल की बहुत सारी औरतें देखी, लड़कियाँ देखी जो सीरियल में एकदम आदर्श बहू बनने का एक्टिंग करती है, और उन्हीं को मैं पार्टी में देखूँ तो पहचान नहीं पाता हूँ, एकदम चुड़ैल लगती है, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, मेकअप अलग, हाथ में शराब, इस हाथ में गिलास, ऐसा कर करके वो गेटअप बदल के आती है, क्योंकि उनके जहन में भर जाता है कि तुम लोग स्पेशल हो, तुम लोग स्टार हो,
और ये जो ऐसे ग्रुप है यहीं से फिर ग्रुपिज्म की शुरुआत होती है, यहीं से फिर नेपोटिज्म की शुरुआत होती है, नशा पानी की शुरुआत। उनको लगता है कि भाई अब ये लोग हमारे लोग हैं, ये नशा करने वाले लोग जो है यही हमारी कंपनी के लोग हैं, इनके साथ काम करना चाहिए। उनमें से जब आप काम के हो तो आपको हमेशा बुलाया जाएगा, और आप काम के नहीं हो तो आपको भुलाया जाएगा। Actually. अगर काम आप से उनको फायदा है तो कहेंगे चल आ जा, काम नहीं है तो कहेंगे चला जा चला जा चला जा। उनमें से कभी कभी आपको देखेंगे कुछ छोटा मोटा गटर के पास कोई बंदा मिलता है, यार ये तो जाना पहचाना लगता है, ये उनमें से फेंका हुआ बंदा जो अभी काम का नहीं था। तो ये किसी के सगे भी नहीं है, ये सारे ग्रुप वाले जो है ये सिर्फ नशा और इसमें और अपने काम को इतने मतलब भी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। अब देखो बेचारी भारती फंसी, कोई बचाने नहीं है, क्या गुजर रही है भारती पर, क्या गुजर रही है उसके परिवार पर, क्या गुजर रही है उनके चाहने वालों पर, क्या गुजर रही है उनकी कम्युनिटी पर। आज हम लोगों को भी शक की नजर से देखा जाता है, या सुनील पाल बेवड़ा तो नहीं, एक्चुअली हम लोगों को नहीं पूरी इंडस्ट्री को, क्योंकि इतने सारे लोगों का नाम आ चुका है कि अब पूरी इंडस्ट्री को कहा जाता है कि ये जरूर नशा करते होंगे, ये जरूर इसी तरह रहते होंगे। सो इट इज जनरलाइजिंग एवरीबॉडी, मतलब एक जनरल टॉपिक बन गया कि हाँ बॉलीवुड मतलब नशा, बॉलीवुड मतलब सब गलत काम, बॉलीवुड मतलब बस काली चीजें, दैट्स व्हाट इट इज बिकम। सो अब इसको वाइट वॉश करना कैसे है ये मुझे भाई, आपको किस बात का डिप्रेशन है मुझे बताइए, क्या है? भगवान की दया से आप जीरो से शुरू हुए थे, आपको बहुत बड़ा नाम मिला, पहचान मिली, बच्चा बच्चा आपको जानता है, आज भी आपके पास में काम है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, आप आगे बढ़ रहे हो। हम भी तो 15-20 साल से इस लाइन में है, हमको भी तो उतार चढ़ाव देखने मिले। तो उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि उतारो और चढ़ाओ, उतारो और चढ़ाओ, नशा करो, ये तो ऐसा नहीं ना। उतार चढ़ाव का मतलब चढ़ाया और फिर उतारा। अब और कुछ लोग इतने घटिया राय देते हैं, अरे एकता जी आपको ना सुंदर दिखना है तो वो नशा करो, आपको सुनील पाल अगर आपकी आवाज़ में अमिताभ बच्चन का बेस चाहिए तो सिगरेट पियो, हाँ आपको ना अगर ग्लो चाहिए आपके चेहरे पे तो फला बियर पियो, हाँ आपको सलमान खान की तरह बॉडी बनानी है तो वो नशा करो, नवाजुद्दीन की तरह या नाना पाटेकर की तरह इंटेंस एक्टिंग करनी है तो आंखों में अंटा मारो, ये करो वो करो, वो सब ऐसी घटिया घटिया राय देने वाले दो कोड़ी के लोग ये जो मिलते हैं ना आपको, रायचंद बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो जब आपका बुरा टाइम होता है तो रायचंद झड़ जाते हैं, तो वो दिखते नहीं फिर कहीं पर। तो ऐसे ऐसे लोग होते, तो हमको भी तो 15-20 सालों में कड़वे भी अनुभव आए, बुरे भी होते, लेकिन हमने कभी अपने आप को नशे के हवाले नहीं किया। मेरे गुरु जिमी मोसेस कहते थे, जॉनी जी के छोटे भाई, जॉन लीवर साहब आपको पता है ऑक्सफोर्ड टावर में रहते हैं, तो मैं कभी कभी कहता कि मैं ऑक्सफोर्ड टावर का, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं बता भी। तो मुझे तो हम लोगों ने कभी उस नशे का सहारा नहीं लिया। अगर हम पर कभी बुरी स्थिति आई तो फिर हमने स्टैंड अप में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो राइटिंग पे ध्यान दे दिया। 4 फिल्में बना चुका हूँ, अभी भी हमारी फिल्म लॉकडाउन टू अनलॉक कंप्लीट हुई है, रिलीज के लिए तैयार है। तो ऐसा कुछ दूसरा करो, तो आपके पास में प्रोडक्शन भी है, आपके पास कलाकार भी है, आपके पास कुछ है, आप क्यों नशे के? और आपके पास इतना समय मिलता कहाँ से कि आप पार्टी शार्टी समय करते? मैं तो किसी भी पार्टी में जाता हूँ तो मेरे को ना, मैं उधर बार लगा भी है तो मैं बिहाइंड द बार कभी नहीं गया, मैं देखता हूँ कि भैया सब लोग पी रहे, बस दूर से देखता हूँ, और मैं खाना ढूंढता हूँ, खाना मिल गया, खाना वाना खा के भी निकल जाता हूँ। फिर मुझे फ़ोन आता रहे तुम तो चले गए, तेरा पार्टी रात के 4 बजे तक चली, सुबह 4 बजे तक चली, तो मैंने कहा भाई चलने दो पार्टी, तुम पार्टी के बादशाह हो, हाँ पार्टी के हनी सिंह हो। मतलब एक बार 4 बजे तक पार्टी चली तो अगले दिन का भी दिन खराब, बिकॉज सुबह उठ नहीं पाएंगे, फिर उस दिन का अगर कुछ काम है तो वो खराब, बिकॉज वो हो नहीं पाएगा, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं तो आई फॉलो दिस पर्सन अक्षय कुमार जी, ही 10 बजे मतलब ही इज इन द बेड, बस नहीं आप, हाँ, हाँ, अच्छा आप अपनी बॉडी को टेंशन समझे। अक्षय कुमार ने कौन सा नशा किया? अक्षय कुमार आज टॉप पर नहीं है क्या? कितने बड़े टॉप, कितने टॉप 5 सेलिब्रिटी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी, आपको बॉडी बनानी विद्युत जामवाल देख लीजिए, उनसे बेस्ट देसी बॉडी संग्राम सिंह है, देसी बॉडी, देसी इंसान, ना वो चाय पीता है ना कॉफी पीता है ना कुछ पीता है। विद्युत, अक्षय कुमार, लता मंगेशकर जी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जॉनी लीवर साहब, ये लोग बहुत नशा करते हैं, जबरदस्त नशा करते हैं, खुल के नशा करते हैं, काम का, yes. मेहनत का नशा, ये वर्कोहोलिक्स है, वर्कोहोलिक। काम का नशा करोगे,
काम को सम्मान दोगे तो काम आपको सम्मान देगा, बाकी ये सब नशा वशा करने की चार दिन की चांदनी उसके बाद में पता चलेगा कि जो लोग नशा आपके साथ करते थे, जो आपके साथ उठते बैठते थे, वो भी आपसे दूर चले गए, और वो क्योंकि मतलब ही मतलब की वजह से जुड़े थे आपके साथ में। लेकिन आप काम करोगे, अगर काम आपके अंदर है तो खुद का काम, खुद का टैलेंट, खुद की विद्या कभी धोखा नहीं दे सकती, कभी नहीं दे। इसलिए आपने आपको बढ़ाओ, अपने काम को बढ़ाओ, अपने अपने कला को और विकसित करो। देखिए तन मन धन से अगर काम करते हो, सिक्स सेंस मेरे हिसाब से अच्छे होने चाहिए, दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत। दिल दिमाग आंखें आवाज नेचर और नियत अगर आपकी साफ है तो ऊपर वाला भी आप पर कर्म करता है। और चार लोगों का हमेशा ख्याल करो, कौन कर लोग कहते हैं चार लोगों का ख्याल करो, माता पिता दो लोग, किसान जो आपको रोटी देता है, और जवान जो फौज में। आप देखिए ये चार लोग आपके साथ निस्वार्थ मोहब्बत करते हैं जी, निस्वार्थ आपको निस्वार्थ आपके लिए तैयार रहते हैं, ये करते हैं, और हमेशा ये लोग आपके साथ में खड़े रहते हैं। उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, जो मतलबी लोग हैं उनका, उनके लिए टाइम पास करके, उनके टाइम वेस्ट करके, उनके साथ में रह के जब समय निकल जाएगा तो ये इनमें से कोई खड़ा नहीं निकलेगा। ये लोग हैं जो निस्वार्थ, आज फौजी किसी को जो सीमा पे खड़े वो हमारे कोई जान पहचान के नहीं है, या परिवार हम के भी नहीं। उनको जानते तक नहीं है कि वो कहां से है, पता। लेकिन हमारे लिए है। हमारे लिए वो खड़े हैं। किसान आज जो रोजी रोटी बना रहा है वो हमारे लिए, हमारे लिए बना। माता पिता जो हमारे लिए हमें जन्म देते हैं और निस्वार्थ हमको अपना पेट काट के या अपनी वो करते हैं, जो भी चाहिए जो भी प्रॉब्लम है आप उनको जाके सिर्फ बोल दो बस। तो ऐसे ही हमारे दर्शक माई बाप जो हमें काम देते हैं, जो हमें सम्मान देते हैं, उनका सम्मान हम करना हमारा कर्तव्य, क्योंकि मंच जो है वो हमारे लिए मंदिर की तरह है। मैं तो हमेशा माथा टेक के जाता हूँ, ऑडियंस को अपना दर्शक माई बाप समझता हूँ। जब आप ऐसा करोगे तो ना किसी नशे की, क्योंकि तालियों में, दर्शकों की तालियों में जो नशा है वो 5 मिनट के बाद, हम लोग कितने सफर करते, लंबा सफर बाय रोड जा रहे, फला जा रहे, थकावट हो जाती, गला बैठ जाता है, सही पानी नहीं मिलता, मूड खराब हो जाता है, लेकिन स्टेज पे जाते ही 5 मिनट में जब पब्लिक मुझे तालियां मिलने लगती है, रिस्पांस मिलने लगता है, तो अब तबीयत भी ठीक हो जाती है। उस वक्त तो भूख लगती है, जब स्टेज पे जाना पड़ता खाना नहीं मिल रहा, लेकिन जब स्टेज पे चले गए तो भूख भी खत्म हो जाती है, प्यास भी खत्म हो जाती है, सब कुछ, इतनी ताकत होती है दर्शकों के सच्चे प्यार में, क्योंकि वो हमारे लिए, और हंसना हंसाना जो है खासकर वो बहुत मुश्किल काम है, हंसाना मुश्किल काम है, लेकिन दर्शक जो हंस रहे वो और मुश्किल काम है जी। दर्शकों का हंसाना जो हसाना। है हंसना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी अच्छी ऊपर वाले ने आपको एक जिंदगी दी है, इतना अच्छा काम दिया है। शरीर का भी ध्यान रखो, जिस दिन शरीर आपका किसी काम का नहीं रहेगा, आप किसी काम के नहीं रहोगे, और कोई आपके सबके लिए आप फिर बोझ बन जाओगे। सब लोग बोले अरे यार इसको उसको मत बुला, उसको मत बुला, तो ये सब कैसे नशा करने से, इस तरह से करने से होता है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ तमाम कलाकारों से, पूरे बॉलीवुड के, और सिर्फ बॉलीवुड के नहीं, हर प्रोफेशन के, देश और दुनिया में जहाँ भी नशा किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, नशा करे जीवन की दशा और आपको दे गलत दिशा। तो शराब और कोई भी ऐसा नशा अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ आप ना करें, सिर्फ एक ही नशा करे, काम का नशा कभी ना करे, जाम का नशा, क्योंकि नशे के चक्कर में बड़े बड़े बादशाह भी फकीर हो गए, बर्बाद हो गए। नशे नशा जो है किसी भी समस्या का नहीं है, किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप अगर नशे को हल समझ कर रहे हैं तो आप समझिए अपनी मुसीबत को और बढ़ा रहे हैं और दुगना कर रहे हैं। बस आप सब लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, ये मेरी शुभकामना है। आप अपने अपने क्षेत्र के सुपरस्टार, लव यू ऑल, थैंक यू।